उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन को लेकर DDRS डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम की लॉन्चिंग की है। इसी के साथ ही उत्तराखंड का यह पहल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। वहीं इसे लेकर मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि सेटअप पूरा होने के बाद 1 जनवरी 2025 से राज्य में DDRS पूरी तरह लागू होगा, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे के निस्तारण पर केंद्र सरकार विशेष जोर दे रही है। खबर मसूरी से है, जहां मजदूर संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है, जिसको लेकर उनकी मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद मजदूर संघ के बैनर तले रिक्शा चालक शिफन कोच के बेगर परिवारों ने, सदस्यों और संघ के कार्यकर्ता ने शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संघ के अध्यक्ष रणजीत चौहान और महामंत्री संजय टमटा ने बताया कि 2 सितंबर को मसूरी गोलीकांड की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भी आंदोलनकारी शहीद स्थल पर बैठे रहेंगे और साथ ही मुख्यमंत्री को अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन देंगे। दो हज़ार चौबीस को भी यहाँ पे बैठे धरना प्रदर्शन किया, जो हमारी 3 मुख्य मांगे थी, एक भी मांग आज तक हमारी पूरी नहीं हुई। प्रशासक द्वारा हमें पालिका में बुलाया जाता है और हमसे वार्ता की जाती है और यो नगर पालिका को निर्देशित किया जाता है कि इनकी जो 3 मांगे हैं, इन मांगों में से 1-2 मांगों पर तो अमल करो, लेकिन जिस पर कोई अमल नहीं हुआ, फिर हमें 28/7/2024 को फिर यहाँ पे धरना स्थल पर बैठना पड़ा, जो कि हमारा सांकेतिक कालीन धरना हमने आज यहाँ पे शुरू किया है। इसको हम आगे तक चलाएंगे जब तक हमारी 3 मांगों में से 2 मांगे पूरी नहीं होती। इतने सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन प्रशासन को चेतावनी भी दे रहे हैं कि सर हमारी जो 3 प्रमुख मांगे हैं वो है, सबसे पहले जो है हमारी जो कार पार्किंग बैकरी हिल कार पार्किंग है, उसको जो है सचिव मजदूर संघ के नाम की जाए, क्योंकि वो हाथ रिक्शा उन्मूलन के तहत जो है मजदूर संघ सचिव को मिली थी। दूसरी मांग सर हमारी जो है वो है सिपन कोट, और जो तीसरी मांग है सर, देखो आज दुनिया चांद पे पहुंच गई है, आज भी हमारे रिक्शे वाले जो है गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, हम चाहते हैं कि इस रिक्शा को जो है ई रिक्शा। प्रदेश में जमकर मेघ बरस रहे हैं, वहीं मौसम विभाग ने देहरादून समेत राज्य के 3 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि अन्य जिलों में भी बारिश के तीव्र होने की संभावना जताई है। इसके अलावा चमोली, अल्मोड़ा, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार देहरादून, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। येलो अलर्ट के तहत 3 जनपदों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने का भी अनुमान व्यक्त किया गया है। प्रदेश में नैनीताल और उसके आसपास भगवान कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। साथ ही नैना देवी मंदिर और पुलिस लाइन में भी कार्यक्रम के साथ भजन प्रस्तुत किए गए। वहीं नव सांस्कृतिक सत्संग समिति में भी कृष्ण भगवान का डोला समिति के सदस्यों ने नगर परिक्रमा करने के बाद सोनव्यू देव मंदिर में विसर्जन किया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष सहित समिति सदस्य मौजूद रहे। दिल्ली में केदारनाथ धाम नाम से बनाए गए ट्रस्ट ने बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण पर रोक लगा दी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसे सरकार के कड़े रुख का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लोगों की आपत्ति के बाद धामी सरकार ने कड़े कदम उठाए, साथ ही 4 धाम और बड़े मंदिरों के नाम पर कहीं भी मंदिर निर्माण न करने के लिए कानून बनाने की चर्चा हुई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट में भी सहमति बन चुकी है। BKTC अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत से खिलवाड़ न हो, ये BJP सरकार की प्राथमिकता है। देखिए, आप जानते हैं कि जो दिल्ली में कोई केदारनाथ धाम ट्रस्ट नाम से जो लोग एक मंदिर का निर्माण कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए भूमि पूजन भी कर दिया था, लेकिन जैसा कि जो प्रदेश की जनता है, उन्होंने जो केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम पे धाम के स्थापना का जब विरोध किया, तो प्रदेश सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने त्वरित उस पर निर्णय लिया और प्रदेश कैबिनेट में भी इस बात को लेकर के कानून बनाने के लिए लेकर के
विचार किया गया और कि इस प्रकार से कोई जो हमारे प्रतिष्ठित धाम हैं उनके नामों का दुरुपयोग न करे, उनके किसी प्रकार से उनके नाम पर चंदा वसूली न करे, इसके लिए प्रदेश सरकार कानूनी प्रावधान तलाश रही है और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति भी इस दिशा में प्रयासरत है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। यह फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्च अधिकार समिति की हुई पिछले दिनों बैठक में लिया गया। प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होगी, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम और खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के संबंध में निर्देश दिए गए। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने जा रहे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। खेलों के आयोजन के बीच सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन, नेशनल गेम्स के संबंध में प्रचार प्रसार और जन जागरूकता के लिए भी नोडल अधिकारी नियमित किए गए हैं। देखिए, राष्ट्रीय खेल हम लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में, जिसको लेकर विभाग लगातार प्रयासरत है, केंद्रीय खेल मंत्री जी से भी हमने अनुरोध किया है, इसके साथ ही भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से भी इसका आग्रह किया है कि जल्द से जल्द इसकी तिथि घोषित होते हुए संभावित समय में जो है इसको कराया जाना जो है वह सुनिश्चित किया जाए। और विभाग ने जो उसकी संदर्भ में सारे साधन संसाधन जो कि हमारे 34 गेम होने हैं, जो मैंडेटरी गेम है, उसकी पूरी तैयारी जो हम लोगों ने कर ली है, उसके परिप्रेक्ष्य में मैं स्वयं खेल मंत्री जी को भी इसकी सूचना और पत्राचार कर चुकी हूँ। भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में भी इसका पत्राचार किया जा चुका है और मैं बहुत जल्द दिल्ली जाते हुए निश्चित रूप से उसकी तिथि के लिए पुनः आग्रह करने के लिए जा भी रही। ऋषिकेश में कुबे ट्रेडर्स का संचालन प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री करता हुआ पकड़ा गया। नगर निगम की टीम ने दुकान से 50 किलो पॉलिथीन बरामद कर जब्त की है। पॉलिथीन के पकड़े जाने पर नगर निगम के कुबे ट्रेडर्स के संचालक पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जुर्माने की भरपाई नहीं करने पर अग्रिम कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। इसके अलावा भी एक और दुकानदार यशपाल कुमार ने यहां 3 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन बरामद हुई है, जिस पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पॉलिथीन है वो प्रतिबंधित है और इसका व्यापक प्रचार प्रसार हमारे द्वारा किया जा रहा है, साथ में अन्य एजेंसियां जो है वो भी लगातार लोगों को अवेयर कर रही है। इसके बावजूद भी यह देखने में आ रहा है कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो ठेली वाले हैं, रेडी वाले हैं और जो इसके स्टॉकिस्ट हैं जो होलसेल का काम करते हैं, उनके द्वारा जो है नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। हम लोग लगातार जो है नियमित रूप से इसका विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और आज भी हमने कार्रवाई की और पुराना रेलवे स्टेशन रोड पर जो है कुबेर ट्रेडर्स जो कि इसके होलसेलर हैं और उनसे लगभग 50 केजी जो है हमने जो प्लास्टिक है वो जब्त किया है और उस पर 1,00,000 रुपए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो हल्द्वानी कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। इस वीडियो में करीब 4 से 5 लड़के दो गाड़ियों से हुड़दंग करते हुए नजर आ रहे हैं। हल्द्वानी पुलिस ने वीडियो को मॉनिटर किया और सख्त एक्शन लेते हुए कार को कब्जे में ले लिया है, जबकि एक अन्य गाड़ी और लड़कों की तलाश की जा रही है। हमें महिला की तरफ से तहरीर भी प्राप्त हो गई है और इसमें FIR पंजीकृत कर इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। एक गाड़ी तो हमने कब्जे में ले ली है, कुछ लड़कों को भी हम तलाश रहे हैं, चिन्हित हो गए हैं और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हल्द्वानी का ही है, कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र का मामला है और इसमें मैंने जैसे बताया कि तहरीर मिल गई है, FIR पंजीकृत कर इसमें जो भी इसमें ये गाड़ी दिख रही है और जो लड़के दिख रहे हैं इनको चिन्हित कर लिया गया है और शीघ्र ही इनको अरेस्ट कर। और वही मसूरी में महिला सुरक्षा को लेकर गांधी चौक गुरुद्वारा के सभागार में एक दिवसीय कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन
आयोजन किया गया। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन के जरिए युवा पीढ़ी को कांग्रेस की नीति से अवगत कराना है। भाजपा सरकार में महिला सुरक्षित नहीं है, लगातार बलात्कार और उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष और उनके सभी सहयोगी साथियों को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कांग्रेस इस महान कांग्रेस संगठन की उन नीतियों को अपने कार्यकर्ताओं के साथ अवगत कराने का अवसर दिया। कहां कब जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में, फिर जाकर जो है इसको आगे बढ़ाया, उससे पहले 1857 में जो है इसको स्वरूप दिया गया। तो ये सब समझाने और बताने के लिए कि कांग्रेस ने देश को आज़ादी के लिए बहुत कुछ किया। कांग्रेस द्वारा यहाँ पर एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमने सभी महिलाओं को आमंत्रित किया, जिसमें युवा भी आए हैं, हमारे शीर्ष नेता भी आए हैं। और हमने इस सम्मेलन का मकसद ये है कि हमने जो हमारे युवा हैं, हमारी महिलाएं, इनको जागरूक करना, क्योंकि आज भाजपा ने इतना सब जगह झूठ फैला दिया, सब जगह मोबाइल में और हर जगह मीडिया के जरिए वो इतना झूठ फैला रहा है, हमारे इतिहास को उन्होंने झुठला दिया। तो उनको जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पर ये सम्मेलन आज किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके द्वारा एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसमें कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, नेता थे, हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता थे, उन सबको उन्होंने गलत बता दिया, उन सबका जन्म भी गलत बता दिया, उनका करेक्टर भी गलत बता दिया। तो वो इस प्रकार दुष्प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि आज हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है, हर महिला के हाथ में मोबाइल है, और वो जो देखते हैं वही लगता है कि सच्चाई होगी। तो इसको जागरूक करने के लिए हमने यहाँ पर और वहीं पौड़ी में सरकार जिले स्तर पर कई जागरूक अभियान चला रही है, जिसमें नाबालिग वाहन चालक, शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध और प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने क्षेत्र अधिकारियों को थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोष्ठी की। वहीं EFIR की समीक्षा के लिए प्रत्येक थाने में एक अलग रजिस्टर बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पशुओं को बाजारों में आवारा न छोड़ने के लिए अनाउंसमेंट भी की है, कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पालतू पशु को आवारा छोड़ता है तो उसके विरुद्ध गौ संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत चालानी कार्रवाई करें, और साथ ही सभी थाना प्रभारियों को 1 सितंबर से 15 दिवसीय अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। जनपद में जनता की ओर से हमारे पास बार बार ये शिकायत आ रही है कि कई लोग अपने गोवंश को सड़कों पर छोड़ देते हैं और ये गोवंश सड़कों पर आवारा घूमते रहते हैं, जिस कारण से कई रोड एक्सीडेंट्स की घटनाएं होती रहती हैं और उसमें कई बार कस्बों में, शहर में न्यूसेंस भी क्रिएट होता है। तो इसका संज्ञान लेते हुए हम लोग बार बार सभी जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया आप अपने गोवंश को कभी सड़कों पर आवारा ना छोड़ें। इसका संज्ञान लेते हुए हम लोगों के साथ अवेयरनेस भी कर रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोग 1 सितंबर से अपनी अभियान भी चलाएंगे, जिसमें जो भी लोग अपने गोवंश को सड़कों पर घूमने के लिए छोड़ रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग गोवंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ऐसे ही लोगों के विरुद्ध